देखो दोस्तों, बटिस्टा ने अभी हाल फिलहाल में कुछ फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर करी है, जहां पर वो एक न्यू लुक के साथ दिखाई दिए हैं। बटिस्टा ने अपनी बियर्ड सेव कर ली क्योंकि बटिस्टा की अपकमिंग मूवी ड्यून चैप्टर 2 के लिए उन्हें न्यू लुक चाहिए, जिसके लिए उन्होंने अपनी बियर्ड को सेव कर लिया। और जैसा कि आप लोग फोटोज में देख सकते हो, बटिस्टा काफी ओल्ड दिखाई दे रहे हैं। एक टाइम था जब बटिस्टा हैज एनिमल अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन फिलहाल वो एनिमल बूढ़ा हो चुका है। वैसे अगर आप लोग बटिस्टा के फैन रह चुके हैं तो इन फोटोज पर अपना रिएक्शन जरूर बताना। बात करेंगे अगली अपडेट पर, तो आज AEW डायनामाइट में CM Punk वर्सेस जॉन मॉक्सली का टाइटल यूनिफिकेशन मैच होता है, और इस मैच का एंड शॉकिंग तरीके से हुआ है। सिर्फ 3 मिनट में जॉन मॉक्सली ने बेस्ट इन द वर्ल्ड CM Punk को डिस्ट्रॉय कर दिया और मैच को जीत लिया, और मॉक्सली बन चुके हैं फर्स्ट टाइम एवर 2-time AEW वर्ल्ड चैंपियन इन ऑल एलीट रेसलिंग। लेकिन मैच के बाद दोस्तों CM Punk को कुछ मेडिकल स्टाफ के मेंबर्स ले जाते हैं, और यहां पर CM Punk बेडली तरीके से इंजर्ड हुए हैं। और जिस तरह से मैच का एंड हुआ है, उसके हिसाब से लगता है CM Punk का जो स्टारडम AEW ने उनके रिटर्न के बाद बनाया था, वो इस मैच के बाद एंड हो चुका है। काफी वीक CM Punk को इस मैच में दिखाया गया है। वैसे आप लोग इसके ऊपर अपने थॉट्स कमेंट करके जरूर बताना। और फाइनली बात करते हैं फाइनल अपडेट की, तो ड्रू मैकइंटायर ने जॉनी गार्गेनो को प्रेस किया है, उनकी तारीफ की है। मैकइंटायर ने बोला कि WWE के आउटसाइड में उन्होंने जॉनी गार्गेनो के साथ मैच रसल किया है, जिसमें उनकी जीत हुई थी, और उस टाइम मैकइंटायर को अपने आप पर विश्वास हुआ कि वो कुछ बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि मैच काफी कमाल का था। इसके अलावा मैकइंटायर ने बताया कि उन्होंने जॉनी गार्गेनो के साथ मिलकर इवोल्व की टेक टीम चैंपियनशिप को जीता है, NXT में उन्होंने साथ में टाइम स्पेंड करा है, और अब जॉनी गार्गेनो मेन रोस्टर यानी मंडे नाइट रो एंड फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आ चुके हैं। और फिलहाल जॉनी वो अपॉर्चुनिटी हासिल कर चुके हैं जिसे वो डिजर्व करते थे, लेकिन कभी उन्हें मिली नहीं, और अब उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी हासिल करी है क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। तो ये सब मैकइंटायर ने गार्गेनो के बारे में स्टेटमेंट दिया है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि ट्रिपल एच जॉनी गार्गेनो एंड चेम्पा जैसे स्टार्स को इन फ्यूचर अंडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बनाएंगे, क्योंकि ट्रिपल एच अब न्यू टैलेंट्स को ज्यादा टीवी टाइम देना चाहते हैं। वो पार्ट टाइमर लाइक गोल्डबर्ग जैसे लेजेंड्स को अब ज्यादा भाव नहीं देंगे, उन्हें अब रेयर मोमेंट्स पर WWE में रिटर्न करवाएंगे। जैसे सऊदी अरेबिया वाले अगर डिमांड करते हैं तो गोल्डबर्ग WWE में रिटर्न आएंगे, लेकिन बाकी इवेंट्स के लिए ट्रिपल एच ने पार्ट टाइमर सुपरस्टार्स का सोपड़ा साफ कर दिया है, और अब से न्यू टैलेंट समेत चैंपियंस बनते हुए दिखाई देंगे, टॉप सुपरस्टार बनते हुए दिखाई देंगे। तो बस यही थी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, इसी के साथ कमेंट जरूर करना, काफी खुशी होती है, थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है आपकी कमेंट से, तो प्लीज कमेंट जरूर करना। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको ऐसी वीडियोज इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो सब्सक्राइब करो एंड उस बेल आइकन पर प्रेस करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।